देखिए मैं क्या बता रहा था यहाँ पे कि आप क्लास का नाम कैसे रखेंगे, ठीक है? बता चुका हूँ आपको कि जावा होती क्या है, जावा के फीचर्स क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म क्या होता है, सब बता चुका हूँ, है ना? अब यहाँ पे हम फॉर्मेट के साथ काम कैसे करने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या रखना है कि क्लास का नाम रखना है। और एक बात याद रखना, अगर कोई मॉडिफायर यहाँ रखा हुआ है, पब्लिक है, एक मॉडिफायर है, ठीक है? किस तरीके का मॉडिफायर है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अब क्लास का नाम क्या रखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे कुछ भी रख देता हूँ, मैं वीजे रख देता हूँ, ठीक है? वीजे रखा तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो गया ना। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, ठीक है? इस वजह से वो हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं तो वो आपकी फाइल का नाम भी होना चाहिए। नोट देख रहे हो आप, जो मेरी फाइल का नाम है वही मेरी क्लास का नाम है। अगर मैं यहाँ से क्लास का नाम चेंज करता हूँ तो ये एरर देगा, एरर दिया था बट इसने ऑटोमेटिकली फिर से क्लास का नाम चेंज कर दिया ना। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? इंडेक्स रख देता हूँ, आप फिर से इंडेक्स रख देगा ये, है ना? मीन्स क्लास का नाम वही होना चाहिए जो आपकी फाइल का नाम है। अब अगर मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ, देखो पब्लिक हटा दिया, अब मैं चेंज करूँगा, ठीक है? वीजे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफायर रखा ही नहीं हुआ है। पब्लिक किस तरीके का मॉडिफायर है, ध्यान से सुन, पब्लिक है एक एक्सिस स्पेसिफायर। क्या है, मैं लिख दूंगा यहाँ पर भी अच्छे से। ये फॉर्मेट तो आपने देखा हुआ है, बट यार ये फॉर्मेट काम कैसे करता पता है जो आपको इसके, बताओ। नहीं, बैकएंड में कैसे वर्क होता है पता है? देखो जरा, सबसे पहले वही पता होना चाहिए हमको। यहाँ देखो, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, क्या है, मॉडिफायर है। किस तरीके का मॉडिफायर है ये, एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसका क्या काम होता है, पब्लिक क्या करेगा, इसके आगे वाली चीज को एक्सेस करेगा, फिर क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा भाई आपकी क्लास का नाम क्या है, इंडेक्स है, ठीक है? और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। ध्यान से सुन रहा, कंपाइलर कैसे, कंपाइलर में मतलब आपने यहाँ पे जो कोड लिखा है इसको रीड कौन करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर, ठीक है? कोड को कौन रीड करता है, इंटरप्रेटर रीड करता है। कैसे रीड करता है, लाइन बाय लाइन। कैसे रीड करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है, ठीक है? अब इसको हटाते हैं। अब वो यहाँ पे पब्लिक ने इंटरप्रेटर देखा, पब्लिक रखा हुआ, और इंटरप्रेटर को पता है, उस बंदे को पता है कि पब्लिक का काम क्या होता है, तो उसने यहाँ पे चेक करा, उसने बता दी क्लास, क्लास का नाम है इंडेक्स, बता दिया उसने। ये ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये एक वॉल की तरह काम करते हैं, ठीक है? इंटरप्रेटर देखे यहाँ पे एक ओपन ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसके अंदर जाएगा वो, यहाँ से इसने देखा ओपन ब्लॉक रखा हुआ है, आ गया इसके अंदर, आ गया। ये जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ये एक लाइन में रखा हुआ है, ठीक है? बट मैंने स्प्लिट कर दिया मल्टीपल लाइन्स में, क्यों, क्योंकि आपको कोड समझ में आए, ठीक है? सारे कोड ना एक ही लाइन में लिखे हुए होते हैं, बट हम उनको क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में भेजते रहते हैं कि कोड आपको समझ में आए। देखो कैसे इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रीड क्यों करता है पता चलेगा आपको। मैंने इसको यहाँ से हटाया, ये कर दिया, इसको हटाया, ये कर दिया, इसको हटाया। कोड में कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो चल रहा है ना, लाइन बाय लाइन क्यों रीड करता पता चल गया। इंटरप्रेटर ने देखा यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके अंदर गया, ठीक है? फिर इसका काम पता है उसको, स्टैटिक पढ़ा, इसका भी काम पता है उसे, ये भी देखा एंड मेन देखा, फिर आगे बढ़ा। उसने उसने देखा यहाँ पे, उसने देखा यहाँ पे कि एक और ब्लॉक रखा हुआ है, फिर इसके अंदर ये चीज़ आ गई, ठीक है? हो गया, आप समझ में आए ये फॉर्मेट ऐसा क्यों रखा गया है, कि आप उस कोड को पढ़ सको, ठीक है?
अच्छे कोडर की निशानी ये होती है कि सामने वाले को कोड समझ में आ जाए तो समझाना है। तो पब्लिक का क्या काम होता है समझ में आ गया, क्लास का नाम कैसे रखा गया समझ में आ गया। अगर आप अपनी मर्जी से क्लास का नाम रखना चाहते हो और सेम फाइल में रन करें तो पता कैसे करेंगे, कैसे? मुझे यहाँ पे रखना है विजय, मुझे क्लास का नाम रखना ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? मैं पब्लिक हटा दूंगा, ठीक है? अगर मैं इसको हटा दूंगा तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो क्लास का, फाइल के नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? सिंपल। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ रखा हुआ स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, स्टैटिक मीन्स कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। वॉइड का क्या काम होता है, वॉइड का काम होता है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है। क्या है? रिटर्न टाइप है ये, बट रिटर्न वैल्यू नहीं देता, रिटर्न वैल्यू नहीं देता। अभी आपको है ना आगे समझ में आएगा जब आप ओप्स पढ़ोगे, अभी नहीं समझ में आएगा कि रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न वैल्यू क्या है, बस इनके बारे में पता करके रखो, है ना। यहाँ पे जो मेन रखा हुआ है ना, ये जो मेन है ये आपको क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको JVM रन करवाता है, ठीक है। क्या है ये? एक फंक्शन है। क्या है ये? फंक्शन कह सकते हो या फिर मेथड बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके अंदर जो ये चीज रखी हुई है ना, ये पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनको पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप्स है, स्क्वायर ब्रैकेट एक एरे को रिप्रेजेंट करता है, आर्क्स मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर? फॉर्मेट समझा रहा हूँ तो अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर देखा इंटरप्रेटर ने, यहाँ पे एक ओपन ब्लॉक रखा हुआ है, इसके अंदर आएगा, यहाँ देखेगा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम, क्या सिस्टम है, आउट है, प्रिंट एलएन है, और क्या है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड है ना। तो देखिए जरा इसको हटाते हैं। अब सिस्टम क्या है यहाँ पे, है ना, ये ना आपको जब अच्छे से पता चलेगा जब आप क्या पढ़ोगे, ओप्स पढ़ोगे। अभी मैं कुछ नाम लेने वाला हूँ जो आप सुनोगे यार ये है क्या, क्यों पढ़ रहा हूँ ये बोलने वाले हो। सिस्टम ने यहाँ पे एक क्लास है, क्या है ये क्लास है, और उस क्लास का आपने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। क्या नाम है उसका ऑब्जेक्ट का? आउट। और उस ऑब्जेक्ट से आप किसको कॉल करा रहे हो, प्रिंट एलन को। प्रिंट एलन यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट क्या आ गया यहाँ पे, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी एक फंक्शन है। एक बात याद रखना, जिसके साथ भी एक्स वाई जेड, जिसके साथ भी इस तरीके से ब्रैकेट लगे हो, वो क्या हो जाएंगे आपके, फंक्शंस बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो, मेथड। आपके ऊपर डिपेंड है क्या बोलूँ, क्या प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीज़ है, फॉर्मेट कैसे काम करता समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, कोई चीज नहीं पता, भूल गए, बताओ क्या है? वर्ड क्या होता है? अच्छा वर्ड होता क्या है, वर्ड क्या है, स्टैटिक क्या है? देखो इस तरीके से करोगे ना तो चीज सही नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने आपको नोटबुक और पेन इसलिए निकालने के लिए कहा था कि जो मैं बताऊँ वो आप लिखते रहें, और मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ आपने कुछ नहीं लिखा, है ना। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है तो रिकॉर्डिंग से आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में लेजी मत हो यार, दिक्कत आ जाएगी फिर बाद में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है फॉर्मेट में? देखो यार आपको थोड़ा सा चीज़ें ग्रैब करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने कभी कोड में काम नहीं करा है ना, अगर करा भी है तो आपने कॉपी पेस्ट किया है, यही किया है ना, सिंपल फंडा है ना। तो कोई बात नहीं, अभी जब जाओगे तब सवेरा, मुहावरा सही बोला है, ठीक है। तो ये चीज़ है, परेशान मत हो, है ना। अब यार हमारे एक बात बताओ, कंप्यूटर जो होता है वो किस तरीके की लैंग्वेज समझता है?
बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है आपकी? जीरो और वन। क्या होती है? जीरो और वन होती है, ठीक है। बट यार कंप्यूटर में तो ये इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं, जीरो वन तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंपाइलर ना, ये जो आपको जावा का कोड है, कंपाइलर क्या कर रहा है, इसको है ना बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कन्वर्ट कर रहा है? बाइट कोड में। क्या कर रहा है? बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है? एक तरीके से हर एक का एक न्यूमेरिक नंबर, और वो न्यूमेरिक नंबर क्या है ना, कन्वर्ट हो रहा है आपका फिर बाइनरी कोड में, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए यार। ये चीज लिख लेना, ये जो मैंने इसके बारे में बताया ना, ये पूछते पूछते कि भाई इसमें सिस्टम क्या होता है, वर्ड क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, फ्रेशर इंटरव्यू में पूछते हैं, तो लापरवाही मत करना, ठीक है। हेडिंग डालो JD JBM, हेडिंग डालो JBM। फुल फॉर्म पता है JBM की क्या है? क्या होती है पता है? देखो JBM क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। देखो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट मशीन, या फिर इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मशीन। क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ठीक है। इट इज कॉल्ड अ वर्चुअल मशीन। इसको क्या कहते हैं? इसको वर्चुअल मशीन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसको वर्चुअल मशीन? बिकॉज इट डज नॉट फिजिकल एग्जिस्ट, ठीक है। लिख लिया। अब ये हमें प्रोवाइड क्या करता है? डेट प्रोवाइड आर रन टाइम इन्वायरमेंट। डेट प्रोवाइड अ रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपका जावा का बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इन विच एनवायरनमेंट के आगे इन विच बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूट। हेडिंग डालो JRE। JRE क्या होता है? JRE हेडिंग डालो JRE। लिख लिया JRE। फुल फॉर्म होती है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट लिख लिए, कोई दिक्कत? जावा रन टाइम एनवायरमेंट लिख लिया। और इसी को ही कहते हैं, इट इज आल्सो नो रिटन एज, इट इज आल्सो रिटन एज जावा RTE, मतलब रन टाइम एनवायरमेंट की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जावा RTE, ये भी कह सकते हैं। अब होता क्या है भाई, ये JRE है ना, ये क्या होता है, तो लिखो इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, इट इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल विच आर यूज फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। लिख लिया जावा एप्लीकेशन। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट। और ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इट फिजिकली एग्जिस्ट, ठीक है। अब क्या बच गया? आपने JRE भी देख लिया, JVM भी देख लिया, क्या बच गया? JD के है ना, क्या होता है JD के भाई? जावा डेवलपमेंट किट। JDK के फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट।
जावा डेवलपमेंट किट क्या समझो, इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विच इज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। विच इज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन। भाई देखना कितने पे कर रखा है ये सर, 25 सर। तभी सोचो यार गर्मी कितनी लग रही है। लिख लिया भाई, क्या लिखा लास्ट में? जावा डेवलप एप्लीकेशन, ठीक है। और ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, इट फिजिकली एग्जिस्ट, हो गया। चलो ये था थ्योरी पार्ट यार, है ना। तो बिल्कुल स्टार्टिंग है थ्योरी पार्ट थे, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, पढ़ लेना इसको अच्छे से, याद कर लेना, ठीक है। इतना पार्ट तो याद कर सकते हो आप, है ना। अगर नहीं कर पा रहे फिर दिक्कत आ जाएगी आगे। हेडिंग डालो वेरिएबल, अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ काम कैसे किया जाता है, कैसे वर्क करते हैं वो देखो। हेडिंग डाल लीजिए वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल जानते हैं आप? नहीं, लिखो जरा इसके बारे में। इट इज अ कंटेनर, क्या है ये? इट इज अ कंटेनर, लिख लिया, जो क्या करता है, अगर कंटेनर है तो क्या करेगा, आपका कोई डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो लिखो विच होल्ड द वैल्यू, विच होल्ड द वैल्यू व्हाइल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी। अब यहाँ पे देखो, ये हमने लिख लिया। अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है ना, अ वेरिएबल असाइड विद डेटा टाइप्स, कोई दिक्कत इसमें? हो गया क्लियर है, ठीक है भाई। वेरिएबल की डेफिनेशन लिख ली ना, पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, और पीछे का पूछते ही पूछता हूँ मैं, इस बात को याद रखना। अब सिंपल वे में समझो कि वेरिएबल क्या हो गया, एक तरीके से किसी प्लॉट पर आप किसी जगह पर गए, आपने प्लॉट खरीदा, मीन्स आपने वहाँ पे क्या कर लिया, अपना एक रिजर्व कर लिया एरिया को। अब कितना रिजर्व करा आपने, 100 गज करा है, 200 गज करा है, आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो आपने कर लिया कवर, आपने ले लिया 100 गज का प्लॉट। अब उस प्लॉट में आपने किस तरीके से बिल्डिंग बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कितना मार्जिन लेना है। आप क्या करोगे, फ्रंट का छोड़ दोगे एंड देन फिर थोड़ा सा पीछे से आप बिल्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आपके ऊपर डिपेंड है ये, है ना। तो वेरिएबल क्या, कंटेनर होता है जो आपकी वैल्यू को स्टोर करता है, बट ये असाइन किया जाता है किसके साथ, एक डेटा टाइप के साथ, ठीक है। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले मैं वेरिएबल अच्छे से समझा दूँ। अब कैसे डिक्लेयर किया जाता है, सिंटेक्स देखना, सिंटेक्स समझो इसका। सबसे पहले आता है आपका डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या, आप कौन सा डेटा टाइप्स ले रहे हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स जानते हो आप, कोई बात नहीं। फिर क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, फिर वैल्यू, फिर क्या लिखते हैं, वैल्यू। तो ये क्या आ गया आपका सिंटेक्स आ गया, कोई दिक्कत, क्लियर है मामला, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो आप डेटा टाइप लेते हैं ना, उसी तरीके की आप वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है।
किस में स्टोर कराते हैं आप अपने वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मैंने क्या लिखवाया था, अ वेरिएबल असाइन विद डेटा टाइप्स। जो वेरिएबल होता है वो किसके साथ असाइन होता है, डेटा टाइप के साथ असाइन होता है। तो मैं एक डेटा टाइप ले लेता हूँ यहाँ पे, इंटीजर का नाम सुना है, सुना होगा ना, इंटीजर डेटा टाइप ले लिया। इंटीजर क्या एक डेटा टाइप है, किस तरीके का डेटा टाइप है, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अपना नाम देता हूँ विजय, ठीक है, दे दिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ, वैल्यू किस तरीके की स्टोर होगी, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप आ गया। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, क्या करना पड़ेगा, नहीं एक बात याद रखना, प्रिंट कराने के काफ़ी सारे तरीके हैं। अगर ये ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे आपको वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ, वेरिएबल क्या एक कंटेनर हो चुका है, मीन्स जो ये वैल्यू है वो अब इसके अंदर स्टोर हो चुकी है ना। मान लो यार आपके पास ना बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, इस तरीके से है ना, और वो आपने इसके अंदर स्टोर करा दिया, एंड देन जब प्रिंट कराएंगे तो ये आपका ये नंबर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हर डेटा टाइप की रेंज होती है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, लिटरल जो आपने यहाँ पे वैल्यू दी है ना, लिटरल है वो, ठीक है। ऑफ टाइप इंट इज आउट ऑफ रेंज, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यू रखी है वो इंटीजर से बाहर आ चुकी है, मतलब कि आपने आउट ऑफ रेंज ले ली वैल्यू, नहीं ले सकता था ना। अब मुझे यहाँ पे किसको प्रिंट कराना पड़ेगा, बीजे को, ठीक है। मैं एक्स ले लेता हूँ, सिंपल सा एक्स ले लिया, यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, कोई दिक्कत। जो वो आपको वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं ना, वही आप यहाँ पे रखते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या, अभी मैं इसको रन करा देता हूँ, जैसे ही मैं रन कराऊंगा ना तो यहाँ पे आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो देखो प्रिंट हो गई, जो आपने यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराई वही प्रिंट हुई है ना। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा आपका, मैंने यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू रख दी इस तरीके से, आप क्या प्रिंट होगी, वन टू थ्री प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू नहीं। ध्यान से देखो, जो आप प्रिंट के अंदर लिखते हो ना वही उसको प्रिंट करता है। मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल सा नंबर लिख दिया, ठीक है, तो रन कराऊंगा तो यहाँ पे आपको क्या प्रिंट होगा, खाली एक नंबर ही प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता एक्स, तो क्या प्रिंट होता आपका, जो आपने वैल्यू स्टोर करा रखी है वो प्रिंट होती, ठीक है। अगर मैं एक्स को डबल कोट के अंदर रख दूँ फिर क्या प्रिंट होगा, एक्स ही प्रिंट होगा, ठीक है, क्या प्रिंट होगा। अब एक्स इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि ये दूसरा डेटा टाइप है, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, देख लो कुछ पूछना तो बताओ। जो डबल कोट्स लगाते हैं ना वो अक्सर एक्स क्यों आ जाता है, वो उसके फॉन्ट होता है क्या, कितने होते हैं ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला, ये बाय डिफॉल्ट मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है, उस वजह से मुझे ये दे दे रहा है, हिंट दे दे रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनली चल रहा है, इसको ध्यान मत दो। क्लियर हो गई चीज, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई। आगे की कहानी शुरू करें, तो ये वाला पार्ट समझ गया आप, तो एक्स क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये क्योंकि कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग पता है क्या होता है, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रिंग बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो अभी हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल पे काम करते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैंने करा एक्स, ठीक है। अब एक्स के अंदर मैंने स्टोर कर दिया 12, क्या प्रिंट होगा बताओ। और मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ इसको, एक्स को, क्या आउटपुट आएगा अपना, सोच कर बताओ क्या आएगा। क्या आएगी वही था ना, नंबर छोटा करना है क्या, लो मैंने कर दिया 23, बताओ क्या आएगा, क्यों। क्योंकि सर हमने जो एक्स की वैल्यू ऊपर लिखी ना वो हम जो प्रिंट करा रहे हैं वो उसमें आ रहा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। अब आप पता आंसर खुद ही सही से दे दोगे।
ये दो दोस्त हैं, ठीक है, घर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या गए, स्कूल में गए, ठीक है, स्कूल में छोड़ो, ये क्या, ये दोनों घर से आए एक दूसरे से मिलने के लिए, ठीक है। तो इसने बोला, चल यार इन दोनों ने एक दूसरे से बोला, चलो बनाना शेक पी के आते हैं, ठीक है। तो चल चलने के लिए रेडी हो गए। अब दोनों ने पूछा, भाई तेरे पास कितने रुपए हैं? इसने बोल दिया, मेरे पास 10 रुपए है, ठीक है। इसने बोल दिया, भाई मेरे पास रुपए ही नहीं है, मान लो इसके पास 2 रुपए, ठीक है। तो अब आपका जो जूस है वो आ रहा है 20 रुपए का, ठीक है। ये एक बंदा है, इसने इससे पूछा कि तेरे पास कितने रुपए हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे? इसने बोल दिया, मेरे पास 2 रुपए है अभी, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। अभी आपने प्रिंट करा दिया ना, इससे पूछ के क्या है तुम्हारे पास वैल्यू, 2 है, 2 आ गए। बट ये बंदा दोबारा घर गया, 8 रुपये लेकर आया, ठीक है, कितने लेकर आया, 8 रुपये और लेकर आया, कितने हो गए, 10। इसने दोबारा इससे पूछा, अब तेरे पास कितने रुपए हैं? तो इसने क्या बोला, 10 रुपए। मीन्स अपडेटेड वैल्यू मिल लिया ना इसे, पुरानी वैल्यू से मतलब नहीं है। अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, क्यों? क्योंकि उसने उससे पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता थी, और जो नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू लिखी ना, तो वो ट्रेंड से अपडेट क्योंकि ये अपडेट हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, क्योंकि नई वैल्यू इसमें असाइन हो गई है। अब समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको रन कराऊंगा तो देख भी लो आप, आपका आउटपुट क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है, आ गया 12, समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो और भी इसमें केसेस सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको उठाया मैंने, यहाँ रख दिया, फंसा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपका देखते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है ना, बताओ। अरे भैया आया नहीं, एक्स इक्वल टू 9 बताओ क्या आएगा आपको, क्यों हमने अपडेट किए नहीं है ना क्या करिए। वैल्यू अपडेट किए हैं। चलो इसका भी आंसर अभी आप खुद दे दोगे, ठीक है, ध्यान। अब मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ बट आपको समझ में नहीं आएगा, अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप लाइफ टाइम तक तो याद रखेंगे। आपसे किसी, और देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये जो है ना प्रिंट कराने वाला तरीका है, ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ, साउट है ये, ठीक है, मतलब एक बंदा है ये जो चेक कर रहा है, साउट नाम का बंदा है जो प्रिंट करवाता है ना, उसने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आपका एक्स की वैल्यू हो गई जो कि क्या है, 23, है ना। ये क्या हो गया आपकी, 9 हो गई, एक्स की वैल्यू, है ना। तो उसने पूछा, यहाँ से लेके यहीं तक देखा है इसने, क्या वैल्यू है इसके पास, क्योंकि प्रिंट हमने यहाँ तक कराया ना, इसके बाद तो कराया ही नहीं प्रिंट, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब क्या आएगा आउटपुट, ध्यान से देखो यार, फिर से आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, 23, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रिंट मेथड यहाँ रखा हुआ है ना, इसके बाद तो प्रिंट नहीं कराया ना। प्रिंट कब काम करता है, जब उसके अंडर काम किया जाता है, उसके बाहर जाके काम कर रहे हो, अब इसके बाद लिखा हुआ है, इसका तो इससे भी मतलब नहीं है, तो क्या आएगा आउटपुट, क्यों? हाँ क्योंकि हमने अभी तक कोई 9 18 करा है। सही, अब सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो आपका आउटपुट आएगा 23, 23, क्या, यस यस, हो गया। तभी मैंने बोला था सिस्टम सही से चुनना, ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, क्या यार खोल दिया इन्होंने, ये देखो यहाँ पर 23 प्रिंट हो गया। अब आ रहा समझ में, देखो यार वही फंडा होता है,
हमारा थ्योरी पार्ट ना कोड से कनेक्ट करता है, ठीक है? थ्योरी पार्ट ज्यादा अच्छे से रखो अपना, जो आज मैंने जितना पढ़ाया रिकॉर्डिंग से सुनो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है? मजे से काम करो यार, टेंशन लेके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हड़बड़ी में पढ़ोगे ना, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है? घर जाओ, अगर आपको आगे भी टॉपिक्स पढ़ने, यूट्यूब से पढ़ कर आओ, ठीक है? या फिर किसी वेबसाइट से पढ़ कर आओ। वेबसाइट से पढ़ने पर यूट्यूब यूट्यूब वाले बंदे का पढ़ाने का समझ में नहीं आ रहा, तो वो चीज मुझसे आके पूछ लो। खुद के एफर्ट भी दिखने हैं ना भाई, एफर्ट दिखाना है ना। और अब पता चल गया मैं वीक डेज और वीकेंड पे क्यों मना करूं, समझ में आ गया? एक रेगुलरिटी, ठीक है? 6 दिन का गैप रहेगा, 6 नहीं 5 दिन का गैप रहेगा आपकी क्लासेस में। तो देखो अब मैंने रन करा, क्या प्रिंट हो गया? 23। फंडा समझ में आ गया कैसे? चलो अब हम वेरिएबल पर और काम करने वाले हैं। देखो अब हम मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हैं, मैं भी इंट ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको इंट डेटा टाइप पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करा था। डेटा टाइप अभी पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है? मैंने वाई ले लिया, वाई में स्टोर कर दिया 3। क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट? क्या आएगा कोड ध्यान से देखो और बताओ आउटपुट क्या आएगा? दिख नहीं रहा क्या? हाँ तो बताओ क्या आएगा, लो थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। क्या आएगा आउटपुट? एक्स की वैल्यू तो पढ़नी थी आएगी और वाई की वैल्यू क्योंकि हमने दोनों को प्रिंट कराया ना, तो इतना सोचने में टाइम भी लगा दिया ना। चलो कोई बात नहीं, देखो हमने इस तरीके से ब्रेक लिया मल्टीपल वैल्यूज को। आपने एक चीज नोटिस की, दोनों इंटीजर टाइप की है ना। इंटीजर क्या है यार, हम तो थक जाएंगे बार बार डेटा टाइप्स लिख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। पता है कैसे? कॉमा लगाओ, वाई इक्वल टू 7 कर दिया, ठीक है? इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना? सेव करते हैं, रन कराते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो बताओ क्या आएगा। वो तो क्या आएगा आउटपुट, ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे आप फंस गए हैं ना, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, स्मॉल एक्स ले रखा है, और इसमें अंदर मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एक्स। तो ये तो लोअर हो गया, ये क्या हो गया, अपर हो गया। अब हमारे जावा में ना केस सेंसिटिव होता है, क्या होता है ये, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव वर्ड मतलब समझते हैं आप, जो जो वर्ड या जो लेटर कैपिटल है, कैपिटल मीन्स अपर केस है, वो अपर में ही रहेगा, स्मॉलर मीन्स लोअर केस। जो प्री डिफाइंड चीजें हैं, ठीक है? अब जैसे कि क्या है कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले रखा एक्स, आपका आ रहा है कैपिटल एक्स, दोनों तो अलग अलग हो गए, कंटेनर दोनों अलग अलग हो गए ना। अब कैसे अलग हो गए, ध्यान से देखो, मैं दिखाता भी हूँ आपको। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स दोनों का ना बाइट कोड निकालने वाला हूँ, मतलब एस्की वैल्यू निकालने वाला हूँ। पता करते क्या दोनों की सेम रहेगी क्या, एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, अब दोनों तो एक्स ही है तो सेम आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैं रन कराऊंगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स की स्मॉल एक्स मतलब एक के अल्फाबेट है, क्या नंबर निकल गया है इसका, 120। कैपिटल
कैपिटल एक्स के क्या निकल के आया, 180, सॉरी 88। ठीक है, आप समझ में आए क्यों केस सेंसिटिव है? क्योंकि सबका बाइट कोड को याद रखो आईडी से। कंपनी में हर बंदे की आईडी अलग होती है ना, अभी से एक नाम के काफी सारे बंदे होते हैं, तीन चार बंदे तो एक कंपनी में निकल ही जाते हैं अभी से, मतलब सेम नाम के है ना, तो उनका आईडी से तो पहचाना जाता है, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार। अच्छा, अभिषेक कुमार 003 वाला बंदा है, अभिषेक कुमार ये 004 वाला है, होता है ना। तो इस तरीके से क्या है कि केस सेंसिटिव भी हमारी जावा लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला? कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत है? अब पता चल गया केस सेंसिटिव क्यों है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बचपन से हम पढ़ते हुए हैं कि भाई हमेशा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, है ना, मैंने लगा दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, एरर दे रहा है। क्यों क्यों दे रहा है यार? इंट का जो आई था वो स्मॉल था, जो पहले से ही प्री डिफाइंड है ना उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, समझ आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो क्लियर हो गया वाला फंडा, आ रहा है ना समझ में? चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लिया, कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। हाँ किसकी? देखो यार, वो मैंने ना जानबूझ के गलत पूछ लिया था आपसे। ठीक है, मैं देख रहा था कि आपका ध्यान कहाँ पर है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्या बना रखा है, स्मॉल एक्स का बना रखा है। ठीक है, बट मैंने यहाँ क्या कर दिया था, कैपिटल कर दिया था। अब मैंने कंटेनर ही बदल दिया, क्या मतलब क्या फिर उस चीज़ का, है ना, समझ में आ गया? अब एक्स यहाँ पे है ही नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड करा मैंने यहाँ पे। ठीक है, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए बी सी। अब ए बी सी तो मैंने कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया ना, है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा ना चीज़ें? ठीक है भाई, जावा के बारे में आपको कैसे पता चला? जावा के बारे में कैसे पता कि हम मुझे जावा करनी चाहिए, क्यों, क्या रीजन था बताओ? मार्केट में डिमांड चल रही है, किसी से सुना नहीं जावा लैंग्वेज के बारे में, किसी ने कुछ बताया नहीं आपको, गाइड नहीं किया, नहीं किया, कुछ तो बताया होगा, क्या बताया था? डिमांड में ये क्या काम करते हैं आपके भैया, किस चीज़ में जॉब करते हैं? प्रोफाइल नहीं पता, नहीं जानते प्रोफाइल, किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं नहीं पता, क्या है वो, टीम लीडर है, डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या है? अच्छा, चलो ठीक है। तो वेरिएबल कैसे लिखे, समझ में आ गया ना? अब हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तीन तरीके के टाइप्स होते हैं, पहला हो गया लोकल वेरिएबल, पहला क्या हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, दूसरा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, क्या हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। तीसरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल, ओके, ये चीज हो गई। अब इसको हटाते चलो, अभी तक आप किस में काम कर रहे थे, इसमें से किस टाइप को काम कर रहे थे आप, किस टाइप में काम कर रहे थे आप अभी तक? लोकल में काम कर रहे थे, क्यों, इसको लोकल क्यों बोला गया है, सोच कर बताओ। चलो दे, क्या दे रखी है, आप कहाँ रहते हो? ओखला में रहते हो, किसके अंडर में है, दिल्ली के?
है ना। दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? ओखला रहते हो? ओखला में कहाँ रहते हो? है और फर्दर, वो एक लोकल एरिया हो गया, ओखला का लोकल एरिया हो गया, वो मीन्स आप ओखला के अंदर हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक, दिल्ली हो गया। दिल्ली के अंदर क्या आ गया आपका? ओखला। ओखला के अंदर आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, मतलब एक लोकल एरिया में काम कर रहे हैं ना। तो याद रखना, ब्लॉक्स के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, ब्लॉक के अंदर, इसको कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं और ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो मीन्स आप एक लोकल एरिया में काम कर रहे हो, मेन मेथड के ब्लॉक में काम कर रहे हो, तो वो क्या आ गया आपका? लोकल वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल मैं अभी नहीं बताऊंगा, बताया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी आप लोकल पे ध्यान दो, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल समझ में आ गया, जो मेन मेथड के अंदर होते हैं ना, मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर होते हैं ना, वो होते हैं आपके लोकल, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तक किस में काम कर रहे थे? लोकल वेरिएबल में काम कर रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, उसका आउटपुट बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों? मैंने तो प्लस यहाँ करा है। हाँ नाइनटीन क्यों आया? जेड में स्टोर हो रहा है, और फिर हम यहाँ पे किसको प्रिंट करा रहे हैं? जेड को, ठीक है। सर आप बोल नहीं पा रहे, मतलब आपको समझ में आ गया, आप समझा नहीं पा रहे हैं ना, ये चीज हो रही है। तो सही बोला आपने, 19 आएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये वाला भी समझ में आ गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हेडिंग डाल लीजिए डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो देखना, ठीक है। पढ़ा डेटा टाइप के बारे में अभी तक? हाँ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं। डेटा टाइप्स अभी तक आपने किस डेटा टाइप में काम करा है? अभी तक आपने किस डेटा टाइप में काम किया है? वेरिएबल डेटा टाइप है, किसके अंदर आता है? डेटा टाइप कौन सा यूज किया आपने अभी तक? इंटीजर यूज नहीं कर रहे थे देर से? हैं सामने लिखा हुआ नहीं देख पा रहे आप? डेटा टाइप्स, ठीक है। तो हमारे पास में दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहले डेटा टाइप होता क्या है ये समझ लो। डेटा टाइप जो होता है ना, इट्स स्पेसिफाई द डिफरेंट साइज एंड वैल्यूज, ठीक है, डेट कैन बी स्टोर्ड, डेट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, ठीक है। ये होगी इसकी डेफिनेशन, किसकी? डेटा टाइप्स की, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ
डेटा टाइप्स, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दूसरा क्या आ गया? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, लिख लिया आपने। ये मैं क्या लगा रहा हूँ पता है? कमेंट्स है, पता था इनके बारे में? मल्टीपल लाइंस कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? स्लैश स्टार, इस तरीके से मीन्स आप जानते हो इसके बारे में। चलो बढ़िया, अब बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। ठीक है, क्या लगता है प्रिमिटिव का मतलब क्या होगा? क्या लगता है, क्या होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप? क्या सोचते हैं आप इससे, बताइए। चलिए देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है, किसको? बूलियन को, ठीक है, बुलियन आ गया। पहला डेटा टाइप क्या आ गया? बुलियन आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आ गया? कैरेक्टर आ गया। तीसरा क्या आ गया? बाइट, सॉर्ट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने तरीके के डेटा टाइप्स हो गए? 8, बुलियन भी तो है, 8 हो गए। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होते हैं जो क्या स्टोर करते हैं आपके, सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? सिंगल वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब बुलियन किस तरीके का डेटा टाइप हो गया ये समझ कर आप। बुलियन जो होता है ना डेटा टाइप, वो किस तरीके की वैल्यू स्टोर करता है? या तो वो करेगा ट्रू, या क्या करेगा? फॉल्स को स्टोर करेगा। ठीक है, ओके। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर ना, नहीं, कैरेक्टर सिंगल कोट को यूज करता है, और सिंगल कोट में या तो आप एक अल्फाबेट लिखो, या तो आप एक नंबर लिखो, या तो आप कुछ भी एक स्पेशल कैरेक्टर लिखो, वो सिंगल कोट में ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एक ही लेटर होगा इसमें, आप स्पेस भी नहीं, स्पेस के बाद भी नहीं दे सकते, स्पेस भी काउंट हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंगल लेटर दे सकते हैं, ठीक है, सिंगल नंबर दे सकते हैं, ठीक है, और सिंगल कुछ भी एक्स वाई जेड। ठीक है, सो समझ में आ गया इसका। बात करते हैं बाइट की। बाइट क्या बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग और इंटीजर, ये तीनों के तीनों ना क्या क्या स्टोर कराते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कराते हैं। बट सबकी जो रेंज है ना अलग अलग रहती है, ठीक है, सब अपने अपने रेंज के हिसाब से काम करता है। तो ये भी डाल देता हूँ, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? न्यूमेरिक होगा, ठीक है, इसमें भी क्या होगा आपका? न्यूमेरिक वैल्यू। इसका सब मतलब समझते हैं ना, नीचे पैरेलली चलता हुआ आ रहा है, समझते हैं ना। इंटीजर भी क्या शो करता है आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है। बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट जो होता है ना वो डेसिमल वैल्यू लेता है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू लेता है। मान लो जैसे कि मैंने क्या कर रखा, 1.2 लिख दिया, ये डेसिमल वैल्यू हो गई। बट फ्लोट ना अपनी पहचान रखता है, वो क्या करेगा, जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू होगी ना वो लास्ट में एफ लगा देता है, या तो स्मॉल एफ लगाएगा या क्या लगा देगा, कैपिटल एफ। डबल क्या करता है? डबल भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कराता है। इसमें जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना डबल में ज़्यादा होते हैं, मोर देन फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.2
2, 3, 4 कर देता हूँ। आप इसके पीछे स्मॉल डी लगाओ या कैपिटल लगाओ या ना ही लगाओ, ये आराम से रख लेगा उस वैल्यू को। ठीक है, डेटा टाइप समझ में आ गए वाले? ये किस तरीके के डेटा टाइप पढ़े आपने अभी, किस तरीके के? प्रिमिटिव, जो सिंगल वैल्यू शो कराता है। फंडा क्लियर है इनका? कोई दिक्कत? पक्की बात है? अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव की। लिख लिया? चलिए अब नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ध्यान से समझो। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव अगर ये सिंगल वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो ये किस तरह की वैल्यू स्टोर कराएंगे? मल्टीपल वैल्यू। सिंपल फंडा है, किस तरह कराएंगे? मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना? पक्की बात है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, है ना? तो नॉन प्रिमिटिव किस तरीके की वैल्यू इंक्लूड कराएंगे? तो कौन कौन से इंक्लूड कराते हैं? क्लासेस हो गए आपकी, ठीक है, क्लासेस होती हैं, और क्या होते हैं? इंटरफेसेस आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी अभी नहीं पढ़ाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, और क्या आ गया आपका? एरे। ठीक है, ये तीन चीज जो होती है आपकी आपकी एक तरीके से नॉन प्रिमिटिव के डेटा टाइप्स होते हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है। वेरिएबल मैंने आपको बनाना डिक्लेयर करना सिखा दिया, डेटा टाइप मैंने एक का यूज़ करके दिखाया था, अभी मैं यहाँ पे सारे डेटा टाइप यूज़ करूँगा, फिर आपको मैं भेजूँगा और आपको खुद से वेरिएबल बनाना है, और वेरिएबल के अंदर किस तरीके से वैल्यू रखनी है वो आपको करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक फॉर्मेट बनाएंगे, और एक बात याद रखना, आप मेरी तरह एक ही फॉर्मेट पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट का यूज करते रहेंगे आप, जैसे कि पब्लिक, क्लास, क्लास का नाम क्या है? इंडेक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, अभी बोलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन सबको यूज करूंगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लिया। सभी का यूज करते हैं ना, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? क्या लिख दिया, सिंपल। अब क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो। कैरेक्टर किस तरीके से स्टोर करा था? सिंगल कोट के अंदर स्टोर करा, मैंने यहाँ कर दिया सिंगल कोट लगा दिया, और इसके अंदर रख दिया ए को। ए स्टोर हो गया हमारा, हो गया। हम यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? एक्स कराओगे, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे? मिल गए, यूज समझ में आ गया? जिस तरीके से मैंने लिखा है ना उसी तरीके से आपको सिस्टम लिखना है यहाँ पे। चलो सारे कर देता हूँ मैं, मैंने यहाँ पे बाइट लिख दिया। ठीक है, बाइट वाई इक्वल टू नंबर्स होते हैं ना, ये भी शो करा दिया। फिर क्या आ गया आपका? सॉरी, जेड इक्वल टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं? जेड। ठीक है, अगला क्या आपका? लॉन्ग। ठीक है, ए इक्वल टू लॉन्ग मतलब लॉन्ग वैल्यू, लास्ट में क्या लगाना है? एल लगा देना। ठीक है, ओके, प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, किसको? ए को। अगला क्या आपका? इंटीजर, मैंने यहाँ पे कर दिया बी, वैल्यू शो करा दी। ठीक है, प्रिंट करा दिया किसको? बी को। ठीक है, अब अगला क्या आ गया आपका? फ्लोट, वेरिएबल ले लिया सी, 1.1.2 लास्ट में एफ लगा दिया। ठीक है, एफ नहीं लगाओगे तो एरर दे देगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं किसको? सी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ रखते थे डबल, डबल रखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी। इसके अंदर क्या रखते हैं हम? 1.2345, ये चीज रख दी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं किसको? डी। सेव करते हैं,
रन कराते हैं। हो गए सारे प्रिंट, कर लोगे आप अपने आप, पक्की बात है। चलो करो बैठ के, तो रिकॉर्डिंग में रुक देता हूँ यहाँ पे। और हमने एक